सिंगोड़ी नगर के मेन रोड पर स्थित शीजी पेट्रोल पंप में खड़े ट्रक से डीजल चोरी करने वाला एक गिरोह पकड़ाया, जो कि एक कंटेनर में कैन रखकर पेट्रोल पंप में खड़े ट्रकों से हमेशा पेट्रोल डीजल की चोरी करता था और कई दिनों से इसी प्रकार खड़े वाहनों से डीजल निकालकर चोरी करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। किंतु विगत दिन किसी ट्रक से डीजल चोरी हुआ और इस ट्रक चालक ने सिंगोड़ी पुलिस चौकी में डीजल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, किंतु शीजी पेट्रोल पंप मालिक को जब कंटेनर ब्यावर और उसके कंडक्टर ड्राइवर के ऊपर शक हुआ कि यहीं कहीं कोई चोर गिरोह तो नहीं है, तभी उन्होंने सिंगोड़ी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और उक्त कंटेनर चालक से पूछताछ की, किंतु अचानक कंटेनर से ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर तेज रफ्तार के साथ उक्त चौपहिया कंटेनर वाहन को भगाने लगा और ट्रक को तेज गति के साथ सिंगोड़ी के मेन बस स्टैंड से 80 से 90 की स्पीड में चलाकर बायपास मार्ग की तरफ मोड़ लिया, लेकिन बायपास पर पुलिस होने के कारण वह पुनः फिर से अमरवाड़ा बायपास की ओर मुड़ गया और सिंगोड़ी बस स्टैंड होते हुए छिंदवाड़ा बायपास मार्ग पहुंचते हुए भागने लगा। डीजल चोर एकदम फिल्मी स्टाइल में अंदाज में उक्त वाहन को सारे नगर और बायपास मार्ग के चारों तरफ घुमाता रहा और पुलिस और ग्रामीण जब इन्हें पकड़ने के लिए पीछा करते रहे, किंतु इसी दौरान नगर के कई लोग और मोटरसाइकिल सवार डीजल चोर के कंटेनर से दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे। इसी दौरान सिंगोड़ी पुलिस और नगरवासियों की मदद से डीजल चोर कंटेनर को बड़ी सूझबूझ के साथ पकड़ लिया गया। पकड़ने के उपरांत सिंगोड़ी पुलिस ने कंटेनर के कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ड्राइवर समद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। अमरवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो है एक आइसर गाड़ी है उसमें आते हैं और हाईवे में जो रात में ट्रक रोकते हैं तो ड्राइवर सो जाते हैं, उस समय ये लोग जो है ट्रक के डीजल टैंक से पंप के माध्यम से डीजल चोरी करते हैं और उनको अन्यत्र स्थान में कहीं पर भी भेज देते हैं। इसी के दौरान जो है हमने हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई थी और रात में पता चला कि एक आइसर ट्रक जो है वो आया था, उसमें 3-4 लोग थे जो एक हाईवे में ट्रक खड़ा था उससे उन्होंने डीजल की चोरी की थी। सूचना पर जब पुलिस पार्टी गई तो उस आइसर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो राजगढ़ के हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 100 लीटर से ज़्यादा डीजल उनसे बरामद किया गया है, साथ ही एक आइसर ट्रक है और 5-6 कुप्पियाँ हैं, मशीन है जिसके द्वारा वो लोग डीजल चोरी करते थे। ये सारी सामग्री बरामद की है, इनके खिलाफ FIR करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।